सोलन में शिक्षा विभाग के हाल खस्ता हैं। हाल ही में चंबा घाट स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय का छत गिरने से एक महिला कर्मचारी घायल हुई थी। आनंद फानन में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी सोलन आए व यहां पर केंद्रीय राज्य पुस्तकालय एवं पुराने संस्कृत महाविद्यालय का निरीक्षण किया। हैरत इस बात की है कि एक जर्जर भवन से अब शिक्षा विभाग को चंबा घाट से पुराना संस्कृत महाविद्यालय व केंद्रीय राज्य पुस्तकालय को जाने के आदेश हुए हैं, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जो भवन पहले की जर्जर होने के नाते खाली करवाए गए थे, अब उसी में शिक्षा विभाग को बसाया जा रहा है। इस प्रकरण से शिक्षा विभाग में तलवारें खींच चुकी हैं। संस्कृत महाविद्यालय ने शिक्षा विभाग को अपने पुराने कॉलेज में घुसने के लिए चाबियां ही नहीं दी, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। वह शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस एक दिलचस्प बात कही है कि अपने रिस्क पर इन भवनों में जाना मेंटेनेंस नहीं हो सकती, जिससे एक बात स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी तानाशाही तरीके से कार्य कर रहे हैं। बात करते हुए संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य नरेश चांद शर्मा ने बताया कि पुराने संस्कृत कॉलेज को इसलिए खाली किया गया था क्योंकि वह असुरक्षित था। कई वर्षों से संबंधित विभागों को पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन कोई उसे ना तो सुरक्षित घोषित कर रहा है और ना ही असुरक्षित। उसमें पानी आता था, वह छत व दीवार भी जर्जर थी। उन्होंने कहा कि वह किसी को भी इस पुराने भवन को नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने यह जमीन दी थी वह जमीन कन्या छात्रावास के लिए दी गई थी, जिसे वह नहीं दे सकते। वहीं शिक्षा विभाग के उपनिदेशक जगदीश चंद्र नेगी ने बताया कि जो उन्हें आदेश आए थे, लेकिन संस्कृत महाविद्यालय उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रही है, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। निश्चित तौर में जिला में कई स्कूलों की हालत दयनीय है। बारिश में एक कमरे में तीन तीन कक्षाएं लगाई जाती हैं। अब स्कूलों में पानी घुस जाता है। जहां अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे वह भवन जर्जर हालत में है, लेकिन विभाग है कि सभी नियमों कानूनों को दरकिनार कर असुरक्षित भवनों में डेरा जमाए रखना चाहता है। तो संस्कृत महाविद्यालय जो पुराना भवन था, वहाँ से हम 2011 में इस नए भवन में आए। वो इस कारण आए क्योंकि वो जर्जर हालत में था, बिल्डिंग खराब थी, बच्चों के प्रति या शिक्षकों के प्रति कोई दुर्घटना ना घट जाए वहाँ पर, इसके बचाव के लिए हम इस नए भवन में आए हैं 11 में। और उसके बाद हमने फिर इसके संज्ञान के लिए अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से कि ये अनसेफ की जाए, ये चलाया हुआ है, मुहिम चलाई हुई है, जो कि आज तक असुरक्षित घोषित नहीं हुई है। तो क्या मतलब कि अभी इसको जो है इसमें डिपार्टमेंट को शिफ्ट करने की बात की जाती है शिक्षा विभाग के, तो आप क्या मानते हैं कि कैसा रहेगा? मेरा ये कहना है कि ये कन्या छात्रावास है, कन्याओं के लिए दान किया हुआ है, और ये उमा के नाम से कोई थी लेडीज जिसने इस संस्था को कन्याओं के लिए दिया था कि इसमें कन्या छात्रावास ही बने। यदि कोई इसमें और कार्यालय आता है तो ये स्वतः ही उस उमा के नाम से चली जाएगी। जी, ये एलिमेंट्री का जो हमारा यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है उसको शिफ्ट करने की प्रपोजल थी, और इस संबंधित जो है हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें पत्र के द्वारा ये हमें सूचित भी किया कि आपको वहाँ पे जो है इसकी परमिशन दी जाती है। लेकिन आज भी हमारे ऑफिस के लोग वहाँ उनसे आग्रह करने गए थे, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं किस वजह से वो इसमें विरोध अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। इस संबंधित मैंने अपने डायरेक्टर महोदय से भी बात कर ली है और उनको मैंने अपनी इसकी सूचना दे दी। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।